पर दोस्तों आज हम सीखें मैथ्स से ट्रिक। देखिए बोर्ड मार्क्स के नियम से क्वेश्चन हल होते हैं, तो कैसे हल होते हैं आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए 1, 2, 3 और 3, अभी आज मैं 3 क्वेश्चन ही बताऊंगा, तो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा कि इसमें कैसे इसको हल किया जाता है। देखिए सबसे पहले होता है इसमें का, क्या हल होता है का। इसके बाद होता है कोष्टक, है ना। इसके बाद होता है भाग, फिर होता है गुणा, फिर होता है जोड़, फिर घटाना। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में का तो है नहीं, ठीक है, कोष्टक है, तो कोष्टक वाला अपन पहले हल करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या हल करेंगे, कोष्टक हल करेंगे। तो देखो कोष्टक हल करेंगे तो 5 × 2 कितना होगा, 7 होगा। तो बाकी संख्या ऐसे ऐसे लिख दो, तो यहाँ 25 / 5 × 3 × 2 और 5 कितना होगा, 7 होगा, +4 − 2, ठीक है। अब इसके बाद अपनों ने कोष्टक हल कर लिया, अब कौन सा हल करेंगे, भाग हल करेंगे। तो 5 का अगर 25 में भाग लगाते हैं कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुणा, देखो अब गुणा होगा तो 7 × 21 +4 − 2। अब इसके यहाँ तो गुणा कर लिया, अब और गुणा करना है, तो 21 × 105 +4 − 2। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 109 हो जाएगा, 5 109 − 2 गए तो बराबर 107। ये अपना राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला और देखिए, एक सवाल और समझिए। देखिए इसमें कोष्टक नहीं है, पर हम नियम तो वही है कि सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाएंगे, है ना। एक वीडियो देख ली अभी चल समझ में आ जाएगा आपको। तो भाग करेंगे, तो देखिए जब भाग करेंगे तो बाकी संख्या ऐसे लिख देंगे अपन, तो 7 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब 7 का भाग 14 में लगाया, कितनी बार गया, 2 बार गया, −2 + 15, ठीक है। अब इसके बाद जोड़ करेंगे, देखिए गुणा, तो गुणा वाला चिन्ह तो कोई है नहीं इसमें, है ना, गुणा वाला चिन्ह नहीं है, तो जोड़ करेंगे। तो देखिए जोड़ की कौन संख्या है, देखिए 15 × 2 कितना होगा, 17, 17 × 7 कितना होगा, 17 × 7 = 24 हो जाएंगे, 24 − 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक सवाल और समझ लीजिए आप, तो बड़े अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना, भाग वाला क्वेश्चन हल करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ करना, फिर घटाना। तो देखिए सबसे पहले इस 5 का इसमें भाग लगाएं, क्या आएगा, 5 × 20, फिर इसके बाद क्या है, गुणा, यहाँ पे गुणा में क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ये बच्चे 5 ही आ जाएगा, है ना, +4 − 2, फिर 5 × कितना होगा, 20 + 4 − 2, ये 4 इसमें जोड़े तो कितना होगा, 24 − 2, और 24 में 2 गए तो 22 आंसर आ गया। तो इस तरह से अपन बोर्ड मार्क्स के नियम से इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।